अबे अब हम ई कहा देख रहे हैं बे, ये साला छुटकू लाल वाला छतरी यहाँ कहा गड़ा है बे। एक काम करते हैं, हम इसको उखाड़ के ले जाते हैं और कोनो दूसरा के घर में फेंक देंगे। अबे सत्यम देख देख साला पगला खड़ा है, चल चल के मजे लेते हैं साले के, मजा आएगा। अबे नहीं बे नहीं, मत जाओ, मम्मी कह रही थी पगला है साला, किसी को भी मार देता है। अबे ई का बे, तुम तो गजब डरपोकना आदमी हो बे। अबे हम है ना, डरो मत, चलो आओ चल के इस पगले के मजे लेते हैं और देखो तो साले को कैसी कैसी हरकत कर रहा है, चलो आ जाओ। अबे ई का कौन हो बे तुम लोग, कहे हमारे पीठ पीछे खुसुर खुसुर कर रहे थे। अगर हमारा मुंडा खराब हो गया ना तो तुम लोग को पिटाई करेंगे और इधर ही मार के फेंक देंगे। अबे ओ पगला, भूल गया क्या, परसों हम लोग ने तेरी कैसी पिटाई की थी अंधेरे में। अब चुपचाप मुंह बंद कर और नाचना शुरू कर, वरना हम लोग यहाँ तेरा फिर पिटाई करेंगे। ओ तो तुम लोग ने हमारी पिटाई की थी? नहीं नहीं, हमको फिर से मत पीटना, हमारा बहुत खून बहा है, हम और मार नहीं खाना चाहते, हम नाच रहे हैं, देखो मजा आ रहा है ना। अबे हाँ बे पगला, नाच नाच, बहुत मजा आ रहा है हम लोग को। हाँ वो तो है। अरे यसू, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ, ये लड़के मासूम लड़के को क्यों मार रहे हैं? अरे वो क्या है ना प्रिया, वो मासूम नहीं पागल है, इसलिए आसपास के लोग परेशान करते हैं उसे। अबे कहा हो गया अबे पगला, काहे रुक गए? बस बहुत हो गया, बहुत नाच लिए हम और नहीं नाचेंगे, हमको भूख लग रहा है, कुछ खाने को दो। अबे तो भूख से ही मर जा साले, धरती का एक बोझ कम हो जाएगा। का कहा मर जाए, कई लोग सही कह रहे थे, का हम सच में भूख में मर जाएंगे? नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम हमारी सपना से कैसे मिलेंगे? नहीं हमको नहीं मरना, हमको यकीन है कि हमारी सपना हमको खोजते हुए एक दिन जरूर आएगी, और जब हमारी सपना से मिलेंगे तब हम बहुत खुश रहेंगे, हमको नहीं मरना। यार यसू देख रहे हो ना, वो कोई पागल नहीं, वो तो कोई दीवाना है, पर उसे साथ ऐसा कैसे हो गया? यार उतना तो मुझे नहीं पता, पर लोग बताते हैं कि इसका नाम लकी है। आज से साल भर पहले ये पुछिनोक में बहुत जाना माना बिजनेसमैन था, बहुत अमीर आदमी था यार ये। इसके बारे में लोग तो ये भी बताते हैं कि एक टाइम में ये बरमूडा का सबसे अमीर आदमी भी रह चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके इसी सक्सेस को देख के लोगों ने इसके साथ कुछ कर दिया, जिसकी वजह से पागल हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके पागलपन के पीछे इसका प्यार है, प्यार जिसका नाम सपना था। आई लव यू सपना, हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। इन लोग का प्यार इतना गहरा था कि कुछ समय बाद तो इनकी शादी भी होने वाली थी, पर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये पागल हो गया और सब कुछ खराब हो गया। बरमूडा का सबसे अमीर आदमी आज एक पागल की जिंदगी जी रहा है। यार सच में ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, पर वो कैसे? यार यसू देखो, तुमने कहा ना कि इसके प्यार का नाम सपना था, और यही नाम ये अभी फिर रट रहा था। अगर इसे नाम याद है तो चेहरे भी याद होंगे, और अगर ये उसे पहचान लेगा तो हो सकता है कि इसे पुरानी बातें सब याद आ जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि पुरानी बात याद आने से ये ठीक भी हो जाए। हाँ बात तो तुम्हारी एकदम सही है। हाँ तो फिर चलो, हमें चल के एक बार उस सपने से जरूर मिलना चाहिए। ठीक है चलो, उसका पता मुझे पता है, पर वो हमारा साथ देगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता, आ जाओ। यार क्यों नहीं देगी साथ, आखिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे ना, तो इसके लिए वो इतना तो कर सकती है। हाँ चलो देखते हैं। यार प्रिया देखो, मैं तुम्हें एक बार पहले क्लियर कर देता हूँ कि सपना का शादी हो चुका है। क्या ये क्या बात प्रिया, उसका प्यार पागल हो गया और वो किसी और से शादी कर ली, क्या मजाक चल रहा है ये? यार अब वो तो मुझे नहीं पता। हाँ पर मैं पता कर लूँगी, जरा सुनिए क्या घर पे कोई है? हाँ कहिए, क्या काम है आप लोग को? जी वो हम लकी के फ्रेंड्स हैं, क्या आप ही उनकी गर्लफ्रेंड है सपना? ये क्या सवाल कर रहे हैं आप लोग? हाँ मैं थी लकी की गर्लफ्रेंड, लेकिन लकी को मरे तो एक साल हो गया, आप लोग अब क्यों आए हैं उसके बारे में पूछने? अरे नहीं, लगता आपको सच्चाई नहीं पता, लकी मरा नहीं है, वो जिंदा है, बस वो अपनी याददाश्त खो चुका है और थोड़ा पागल हो गया है, हमें उसे ठीक करने के लिए आपकी मदद चाहिए, क्या आप हमारी मदद करेंगे? मुझे तो लगता है कि आप लोग पागल हो गए हैं, या फिर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि लकी मेरे आंखों के सामने मरा था, आखिर वो जिंदा कैसे हो सकता है? नहीं वो जिंदा नहीं हो सकता, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, वो लकी ही है, वो जिंदा है और आप ही का नाम रखता है, वो बस पागल हो चुका है, वो अपनी पूरी याददाश्त खो चुका है। हम चाहते हैं कि एक बार आप हमारे साथ चलिए, आपको देखकर वो सब कुछ याद कर लेगा, और शायद हो सके कि वो आपको देख के ठीक भी हो जाए, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। हाँ ठीक है मैं आप लोग की मदद करूँगी, पर क्या वो सच में अपनी याददाश्त तो खो चुका है ना, उसे पुराना कुछ याद तो नहीं? हाँ वो पुराना सब कुछ भूल चुका है, उसे पुराना कुछ भी याद नहीं, बस आप एक बार हमारे साथ चलिए, हो सकता है कि आपको देखकर वो ठीक हो जाए, आ जाइए प्लीज हमारी मदद कीजिए। हाँ ठीक है चलिए, जरा मैं भी तो देखूँ आखिर एक मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है।
यस सर, तुम प्लीज कोई जुगाड़ करके आ जाना, मैं तुम्हें लोकेशन शेयर कर दूंगी, अभी हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है प्रिया, तुम संभाल कर जाना, मैं किसी बड़ी गाड़ी का बंदोबस्त करके तुम्हें लोकेशन पे मिलूंगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर प्रिया इस मामले में इतना ध्यान क्यों दे रही है। खैर चलो चलते हैं। अरे वाह यार, यहाँ कितनी शांति है, अब बस हमारी गर्लफ्रेंड आ जाए उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा। आज न छोड़ेंगे तुम्हें दम दमा दम, दिल में है तूफान भरा दम दमा दम, नाचे मेरी जान जरा दम दमा दम। अबे ईगा, तू हमारा नाचा देख के हंस का रहे हो बे? अरे कहा बताए भाई, तुम नाचे कुछ ऐसा, लेकिन क्या बताए भाई, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं आई है अभी तक, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, ना जाने कब आएगी वो। अच्छा वो तो कोनो दूसरा लड़का सन भग गई, हम खुद ही देख के आ रहे हैं, और उसके बाबू और भाई तुमको गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है भाई। तौबा तौबा, हमने तो कानों को हाथ लगा लिया, अब हमारी बात मानो भाई और जाके उसके बाबू और उसके भाई की जबरन पिटाई करो। का हमको सच में ऐसा करना चाहिए, का तुम सच कह रहे हो भाई? अरे और नहीं तो का, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो कब का हाथ पैर तोड़ दिया होते। ठीक है भाई, हम भी हाथ पैर तोड़ेंगे सालों का। जाओ जाओ मारो उनको जाके। अरे वाह, इसे तो अच्छा बुद्धू बनाया, आज तो अप्रैल फूल है, बुद्धू कहीं का फूल बन गया। अबे तेरी ईका, का हमको उड़ा दोगे बे? कौन हो बे, गाड़ी चलाने आता है बे? अरे लक्की, क्या तुमने हमें नहीं पहचाना, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। हाँ हमको याद आ गया, बचपन में हमको बहुत सारे गिफ्ट मिलता था, और अब तो हमें कोई पूछता भी नहीं है, अब तो किसी को पता भी नहीं होता कि हमारा बर्थडे कब है। अच्छा लेकिन लक्की, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, तुम देखना चाहोगे अपना गिफ्ट? हाँ काहे नहीं, हम तो जरूर देखना चाहेंगे हमारा गिफ्ट, लाओ दिखाओ कहाँ है। अच्छा तो फिर ठीक है, सपना आप जरा नीचे उतर जाइए। अरे हम तो इको पहचानते हैं, ये तो सपना है, हमारी सपना। अरे वाह, एक मिनट सपना, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अरे नहीं यस्सू, ये क्या हो गया इसे? इसे क्या हो गया, तुम लोग ये छोड़ो और पहले ये बताओ कि तुम लोग ने मुझे झूठ क्यों कहा, ये तो पहचानता है मुझे। तुम अपना मुंह बंद करो, ये जिंदा है इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें, ये बेहोश होके गिर गया कोई मतलब नहीं है तुम्हें, और एक बार बताओ जरा मुझे ये क्या पूछ रहा था तुमसे, क्या क्या है तुमने इसके साथ? क्या मतलब कि मैंने कुछ किया है? मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ। हाँ वो तो पता चल ही जाएगा, यस्सू तुम देखो तो सही क्या हुआ है इसे। अरे घबराने लो भी बात नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है, चलो इसे घर ले चलते हैं। हाँ जल्दी चलो यस्सू। यस्सू इतना टाइम हो गया, इसे अभी तक होश क्यों नहीं आ रहा, ये ठीक तो हो जाएगा ना यस्सू? अरे यार तुम इतनी फिक्र मत करो, ये बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे होश क्यों नहीं आ रहा, तबीयत वगैरह तो बिल्कुल ठीक है इसकी, थोड़ी देर में आ जाएगा इसे होश। अरे नहीं मेरा सर इतना भारी क्यों है? अरे ये मैं कहाँ हूँ, आप लोग कौन है और मैंने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, मेरा सर इतना भारी क्यों है, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ? अरे तुम तो काफी नॉर्मल लग रहे हो, लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक हो गए क्या मतलब ठीक हो गए, आखिर मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, तुम लोग जानते भी हो कौन हूँ मैं? अरे भाई हम तो जानते हैं कि तुम कौन हो, पर शायद तुम भूल गए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मुझे सब याद है, कल मेरी शादी है, मुझे अपनी शादी अटेंड करना है, सपना मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना होगा, अगर तुम लोग ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया तो उसके लिए शुक्रिया। अरे नहीं ये क्या, वो ऐसे कैसे जा सकता है, नहीं वो नहीं जा सकता, आखिर वो कैसे चला गया हमसे दूर? क्या मतलब यार, अब वो ठीक है, अब वो कहीं भी जा सकता है, हाँ उसे कुछ बातें याद नहीं है लेकिन बाहर जाकर वो सब कुछ जान जाएगा। नहीं वो कुछ नहीं जानता, वो लड़की उससे प्यार नहीं करती, मैं करती हूँ, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है, नहीं वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। यार तुम पागल हो गई हो क्या, ये क्या बोल रही हो? नहीं मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, अगर वो मुझसे दूर चला गया ना तो मैं भी कहीं दूर चली जाऊंगी, कभी लौट के नहीं आऊंगी। यार ना जाने मैं यहाँ क्या कर रहा था, और मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन नहीं मुझे घर जाना है, मेरी सपना से मिलने, उसका और मेरा शादी है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने घर कल ही आया था, ये कपड़े भी मैंने कल ही पहने थे, मैं सपना से भी कल ही मिला था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बरसों पुरानी बात है, मैं लगभग सालों बाद अपने ये कपड़े पहन रहा हूँ, अपने घर आया हूँ और सपना से भी सालों बाद तक नहीं मिला हूँ। सर
सर भले आप सब कुछ भूल गए हैं, पर यही सच्चाई है कि आप पूरे एक साल के बाद इस घर में हैं। एक साल के बाद आप ये कपड़े पहने हैं और आपको सपना से भी मिले एक साल हो गए हैं, क्योंकि आज से एक साल पहले ही सपना ने हमें बताया था कि एक रोड एक्सीडेंट में आपकी मौत हो गई है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सपना से कल ही मिला था और मेरी कोई रोड एक्सीडेंट नहीं हुई थी। सच्चाई तो ये है कि क्या सर? कि उस दिन सपना, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। अच्छा तो बोलो। आई लव यू सपना, हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। और हम आपके दौलत से बेहद मोहब्बत करते हैं। क्या, ये क्या बोल रही हो सपना तुम? और ये कौन है तुम्हारे साथ? ये है अरबाज। इन्हीं के कहने पे तो मैंने तुमसे प्यार का झूठा नाटक किया। इनके कहने पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे नहीं इनसे प्यार करती हूँ। क्यों, आखिर क्यों सपना? सिर्फ और सिर्फ मेरे दौलत के लिए? एक बार तुम मुझसे मांग कर देखा होता, मैं हंसते हंसते अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता। हाँ तो अभी भी किस बात की देरी हुई है? ला अपनी पूरी दौलत तेरी सपना, सॉरी मेरी सपना के नाम कर दे, वरना मौत तो तय ही है तेरा। तो ठीक है, मार दो मुझे, लेकिन सपना तुम अपने हाथों से मारना। ले वे साले मजनू, मरना चाहता था ना, तुझे तो तेरी सपना ने ही मार दिया। चलो डार्लिंग, यहाँ खड़े होकर इसके मौत का तमाशा मत देखो, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। अरे नहीं, ये क्या? सिट, ऐसा नहीं हो सकता। डार्लिंग, उसने तुम्हें अभी तक ऑनर बताया ही नहीं है, और इसका पासवर्ड भी वो नहीं है जो तुम्हें पता है। उसने साले ने हमारे साथ ही धोखा कर दिया, अब हमारे हाथ पे कुछ नहीं आने वाला, हम तो रोड पे आ गए डार्लिंग। अरे नहीं अरबाज, उसने तो मुझसे कहा था कि वो यही पासवर्ड रखा है, और उसने ऑनर भी बना दिया था मुझे। तुमसे कुछ गलती हो रही होगी अरबाज, थोड़ा ठीक से चेक करो प्लीज। अरे नहीं बेबी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, उसने तो कुछ और ही पासवर्ड रखा था, उसने हमारे साथ धोखा किया है। अब समझ आया, साला यूं ही नंबर वन बिजनेसमैन नहीं बन गया, उसने तो हमें ही उल्टा उल्लू बना दिया। सिट यार, यहाँ से चलो जल्दी। ओह तो ऐसा हुआ था। सर मैम ने तो कहा था कि आप खत्म हो गए, और उन्होंने आपके जायदाद को अपनाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन कानूनी तौर पे आपका जायदाद उन्हें नहीं मिला। तो उसके बाद कुछ समय बाद ही वो अरबाज से शादी करके यही पूछी नौक में आपके दूसरे वाले बंगले में रहने लगी। शायद वो अभी भी वहीं होगी सर। अब मुझे पूरी बात समझ आ गई है कि इन बीते हुए एक साल में मैंने क्या किया है, और पिक पे वो दोनों मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। तो फिर अब आप क्या करोगे सर? बिल्कुल ठीक सवाल कि अब मैं क्या करूँगा। आखिर टूटे हैं मेरे खाब, साल हो गया मेरा बर्बाद, अब मैं करूँगा उनका हिसाब किताब। क्या, आखिर मतलब क्या है सर आपका? मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझ जाओगे चौबे, पहले ये बताओ गाड़ी में बंदूक है? हाँ सर, वही है, फुल्ली लोडेड है, कभी यूज भी नहीं हुआ आपके जाने के बाद। पर क्यों सर? क्योंकि वो अब यूज होगा। तुम जाओ और जाके गाड़ी पलटाओ और सीधा उन कमीनों के घर में लगाओ, बाकी मैं खुद देख लूंगा। लीजिए लकी सर, हम पहुंच गए। बहुत बढ़िया। अरे ओ कायरो, अंदर क्या छुप के बैठे हो, बाहर निकलो। अरे ये क्या, लकी तुम? हाँ मैडम, ठीक पहचाना, मैं चौबे। जरा इस अरबाज को बंदूक की भाषा तो कह। अरे नहीं लकी, ये तुमने क्या करवा दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने अरबाज को क्यों मरवा दिया, हम तुम्हारा घर खाली कर देंगे। अबे चौबे देख कर रहे हो, ठोको साली को। माफ करना सपना, लेकिन हम तुम्हारे प्यार के बदले में इतना पगला गए कि तुम्हें और तुम्हारे डौका दोनों को खा गए। प्लीज हमें माफ कर दो। ओह अब हो रहा है गलती का एहसास, पहले हुआ होता काश, लेकिन माफ कर दो, अब तुम्हें नहीं मिलेगी तुम्हारी सांस। चलो चौबे, टाइम नहीं है मेरे पास। अरे वाह, तुम तो लकी हो ना, इन कपड़ों में तो भारी अच्छे लग रहे हो तुम। हाँ भाई, लेकिन मेरे आज सुबह के व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अगर अभी ठीक हूँ तो सिर्फ तुम लोग की वजह से, लेकिन मैंने तुम लोग से बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं किया। मैंने जाते वक्त प्रिया जी की बात सुनी थी, मैं फिर भी उन्हें इग्नोर करके चला गया। भाई अगर तुमने उसकी बात सुनी ली थी तो रुक जाते यार, तुम क्यों चले गए? भाई वो यहाँ सिर्फ एक टूर के लिए आई थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए रुक गई। वो तुमसे प्यार करने लगी थी भाई, लेकिन अब मुझे माफ कर दो, वो यहाँ से जा चुकी है और मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ गई।
अरे नहीं, ये क्या हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे। हमने चाहा था जिसे पूरे दिल से, उसने ठुकरा दिया था हमारा प्यार, और जिसने हमें चाहा पूरे दिल से, हमने गलती से ही सही लेकिन दे दिया उन्हें हार। सो क्या हाल है यार गाइस, वीडियो अच्छा लगा या नहीं? यार गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने भाई की मेहनत की कदर कर लेना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, और थोड़ा सा प्यार इंस्टाग्राम पे भी दिखा देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।